बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। उत्तरा मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित नेता संदीप वाल्मीकि ने कल देर रात एग्जिट पोल जो है तमाम एग्जिट पोल के सामने आने के बाद जो फेसबुक अकाउंट है उनका संदीप कुमार के नाम से, उस अकाउंट से वो लाइव आए और उन्होंने वो दर्द बयां किया जो बहुजन समाज पार्टी के दौरान उनको दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुजन समाज पार्टी के आज जो चुनाव है नतीजे हैं, आज हर जगह पर बहुजन समाज पार्टी की चर्चा है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से गायब नजर आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कभी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर एक की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज उस पार्टी को पूरी तरीके से लोगों ने तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि संदीप वाल्मीकि ने नंबर भी जारी किए हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है और अपना दर्द जाया किया है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर आखिर कहां से गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि लगातार साल दर साल हर हो रहे चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे गायब हो रही है, आज कार्यकर्ता भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वजह से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि बहन जी हमारी नेता है और हमेशा रहेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। आपको बता दें कि संदीप कुमार वाल्मीकि ने क्या कुछ कहा, वो तमाम वीडियो आप हमारे चैनल पर भी अपलोड है। साथ ही आपको बता दें कि जो संदीप कुमार का फेसबुक अकाउंट है संदीप कुमार वाल्मीकि, उसके नाम पर भी अपलोड है। इसके अलावा हम आपको आगे भी सुनवाते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसे क्या महत्वपूर्ण सके और उस पर विचार कर पाए। आज पूरे दिन का घटनाक्रम हम लोगों ने सब ने देखा, अभी आप टीवी भी देख रहे होंगे। आज दिल्ली की सभी विधानसभाओं में तकरीबन मैं घूमा, हमने देखा चुनाव में सब लोगों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाजपा, आम आदमी, कांग्रेस, बसपा और भी छोटे मोटे दल बहुत सारे जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे साथ। लेकिन साथियों, एक बहुत अजीब घटना आज मैंने देखी पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में मैंने जो टेबलें बाहर लगती हैं पार्टियों की, चुनाव में जो पर्चियां बनाते हैं जो सपोर्टर बैठते हैं पार्टियों के, उसमें मैंने भाजपा के लोग देखे, उनकी टेबल लगी हुई थी। आम आदमी पार्टी के लोग देखे, उनकी टेबल लगी हुई थी। कांग्रेस के लोग देखे, उनकी टेबल लगी हुई थी। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मैंने कहीं भी कोई भी एक भी टेबल लगी हुई नहीं देखी। ये कारण क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। ना कोई समर्थित लोग सड़क पर उनके दिखे, ये समझ नहीं आया ये कारण क्या रहा। मान्यवर साहब कांशीराम की मूवमेंट, मान्यवर साहब कांशीराम की बसपा और बहन जी की विचारधारा, जिसे हम पूर्ण भरोसे से उन पे भरोसा करते हैं, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे तमाम साथी उसमें काम कर रहे हैं साथ। लेकिन साथियों, इस मूवमेंट को जो लोग धोखा दे रहे हैं, इस मूवमेंट को जिन लोगों ने मूवमेंट की बजाय कमीशन की राजनीति बना दी, सिर्फ